ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नॉर्डिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है। मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, बट यहाँ पर सैमसंग ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, बट उसका भी अभी तक पता नहीं चला है। बट जो भी है, मेरे हिसाब से बेहतर है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। यहाँ पर आप सबको मालूम होगा कि सैमसंग ने एंड्रॉयड 12 बेस वन यू आई 4.0 को फर्स्ट टाइम रिवील किया था, जब सैमसंग ने अपना S21 सीरीज़ के लिए जो अपडेट वो रोल आउट करना स्टार्ट करा था। इवन यहाँ पर सैमसंग ने अपने A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के लिए भी जो अपडेट वो रोल आउट किया था, वो वन यू आई 4.0 जो कि बेस था एंड्रॉयड 12 पर। अब यहाँ पर सैमसंग ने वन यू आई 4.0 तो रोल आउट कर दिया, बाद में सैमसंग ने वन यू आई 4.1 यानी कि 4.0 का एक इम्प्रूव और बेटर वर्जन यहाँ पर रिवील किया S22 सीरीज के साथ में। एंड वो अपडेट सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू अपने स्मार्टफोन्स के तहत प्रोवाइड भी कराएगा। लाइक जो सैमसंग के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन से, पुराने वाले फ्लैगशिप से, जो कि अब S21 सीरीज है, इवन S20 सीरीज है, यहाँ पर सैमसंग की नॉट 20 सीरीज है, सैमसंग इन स्मार्टफोन्स के अंदर FOTA के थ्रू जो वन यू आई 4.1 का अपडेट है वो प्रोवाइड करा देगा। बट यहाँ पर सैमसंग वन यू आई 4.1 का भी एक और नया वर्जन लेकर के आने वाला है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज, वन यू आई का 4.1 का जो अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, बताया जा रहा है कि कंफर्म नहीं है, रूमर बेस्ड है कि 4.5 हो सकता है या 4.2 भी हो सकता है। अब जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से 4.5 होगा, बिकॉज सैमसंग ने पहले ऐसा ही करा है, वन यू आई 2.1 के बाद में 2.5 जो है रिवील किया था, बट यहाँ पर 3.1 के बाद में 3.5 को रिलीज़ नहीं करा था। ऑल्दो 3.2 आया था, बट आई गेस वो कुछ कुछ स्मार्टफोन्स में था, बट ज़्यादा स्मार्टफोन्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करा पाया था। तो यहाँ पर सैमसंग इस बारी जो है ज़्यादा स्मार्टफोन्स में एक साथ ही वन यू आई 4.2 या फिर 4.5, इन दोनों में से कोई एक वन यू आई वर्जन आएगा, बट जो इंप्रूवमेंट होने वाले हैं वो एक ही होने वाले हैं। मैटर नहीं करता कि आपको वन यू आई 4.2 मिले या 4.5 मिले, लेकिन इतना पता है कि सैमसंग वन यू आई 4.1 का एक अपग्रेडेड वर्जन और बेटर वर्जन या फिर आप कह सकते हो कि इम्प्रूव वर्जन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है सैमसंग, बिकॉज यहाँ पर सैमसंग का जो S22 सीरीज़ है, अभी वहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि अंडर टेस्टिंग थे, उनको ऑफिशियली उनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, तो सैमसंग उनको अपने S22 सीरीज़ के साथ में इंक्लूड करना चाहता है। एंड वो जब वो फीचर इंक्लूड किए जाएंगे, यानी कि अपडेट के थ्रू उसके अंदर वो फीचर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, तो सैमसंग अपना वन यू आई वर्जन भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उस वन यू आई वर्जन के लिए ही होने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम के लिए उसी वन यू आई वर्जन पर होने वाले हैं, बिकॉज सैमसंग को आप जानते हो, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब 6-7 साल 8-10 साल से मैं सैमसंग स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, बट अपने जो यूट्यूब चैनल पे मैं ज़्यादातर मतलब वीडियोस बनाता हूँ, मेरे ख्याल से 5-4 साल हो गए होंगे, तो इतने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सैमसंग अपना जो वन यू आई वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट वन यू आई वर्जन है, वही चीज़ आपको जो है सैमसंग की A सीरीज़ के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, बट A सीरीज़ वाली चीज़ आपको सैमसंग की M सीरीज़ और F सीरीज़ में नहीं मिलेगी। अब ये क्यों नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर सैमसंग जो A सीरीज़ है उसको अपना एज अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह ही थोड़ा सा ट्रीट करता है, स्पेशली कुछ कुछ स्मार्टफोन को बिल्कुल ही फ्लैगशिप की तरह ट्रीट करता है। लाइक आपने A50 देखा होगा, इवन अभी A52 चल रहा है, इवन A52S 5G भी यहाँ पर है, तो इन स्मार्टफोन को सैमसंग मंथली सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कराता है, जो कि सैमसंग अपने सिर्फ फ्लैगशिप स्मार्टफोन को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर सैमसंग A सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, एंड A सीरीज़ में जो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर होते हैं और काफ़ी अच्छी जो मार्केट परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर कहते हैं सैमसंग को अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, तो सैमसंग उस स्मार्टफोन को स्पेशली, अगर मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए, काफ़ी पुराने टाइम से जैसा हो रहा है, तो जब A सीरीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी A5 2014 में, तो सैमसंग ने मतलब उस स्मार्टफोन को मंथली सिक्योरिटी पैच में रखा। उसके बाद में A5 2016 आया, उसको भी मंथली सिक्योरिटी पैच स्मार्टफोन मंथली सिक्योरिटी पैच कैटेगरी में रखा। उसके बाद में A5 2017 आया, उसको भी सैमसंग ने जो है मंथली सिक्योरिटी पैच की कैटेगरी में रखा हुआ था। और उसके बाद में जब और A सीरीज़ को अपग्रेड किया गया, और A10 A20 और A30 इवन यहाँ पर A50 A70 A80 A90 ये सभी स्मार्टफोन आए, तो A50 को यहाँ पर सैमसंग ने जो है मंथली सिक्योरिटी पैच में जो है सर्वाइव कराया, और अभी भी वो मंथली सिक्योरिटी पैच की कैटेगरी में जो है सर्वाइव करता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि A5 जो सीरीज़ है, बेसिकली जो A50 सीरीज़ है, तो ये स्मार्टफोन ना ही तो ज़्यादा मंदे हैं ना ज़्यादा महंगे हैं, ये बीच में सर्वाइव करते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा लोग जो है पसंद करते हैं, बिकॉज इनके अंदर जो है फीचर्स भी मिल जाते हैं और एक प्राइस पॉइंट जो है इनका बिल्कुल पॉइंट पर होता है, तो इसीलिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्केट सेल आपको देते हैं सैमसंग को
बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए सैमसंग इनको जो है हाई प्रायोरिटी में रखता है और अच्छे से जो है इनको सॉफ्टवेयर वाइज ट्रीट करता है। और एक ये भी रीज़न बन जाता है लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट जो है, मतलब इससे महंगे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं। खैर यहाँ पर जो वन यू आई 4.1 है, 4.1 का एक अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है, अब वो कोई सा भी हो तो जब भी वो आएगा तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखें। मैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाता जाता तो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 मिनट के आसपास की वीडियो हो रही है। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है A50 इस सीरीज़ की हिस्ट्री और सैमसंग ऐसा क्यों करता, बाकी मैंने काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में भी बता दिया है। ऑल्दो मैं यहाँ पर कुछ अलग नया कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, होपफुली आपको वो पसंद आएगा। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।